हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम पढ़ रहे थे उसका वैल्यू निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस जो होते हैं सेवेंथ एट में। तो ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कोई भी दो एंगल है उनका सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल देंगे। ठीक है, जैसे 60 और 30 कितने हो जाएंगे, दोनों का सम देगा 90 डिग्री, तो वो 60 और 30 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 50 और 40 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 20 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 15 और 75 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 89 और 1 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि दोनों का सम भी कितना हो रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब हम लोग निकालेंगे इनका वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC में जो B एंगल है वो 90 डिग्री है, तो बाकी जो वो बचे हैं एंगल A और C उनका भी सम कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो एक एंगल का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, तो बाकी दो जो बचे हैं उनका वैल्यू भी 90 डिग्री होना चाहिए सम के फॉर्म में। तो इसलिए हमने एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू लिख दिया प्लस करके 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री होगा, मतलब ए और सी क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंगल ए के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, एंगल सी के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, और वहाँ से कुछ रिजल्ट निकल जाएंगे उस पर फिर बाद में बात करते हैं। तो एंगल ए की अगर बात करते हैं तो अपोजिट और एडजेसेंट देख लेते हैं। एंगल ए के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट कौन सा हो गया, AB, और अपोजिट हो गया BC। ठीक है, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिखते हैं। तो साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट BC हाइपोटेनस AC, तो हो गया BC अपॉन AC। कोस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो कोस ए हो गया AB अपॉन AC, क्योंकि AB एडजेसेंट है हाइपोटेनस, तो AC। टेन ए क्या होता है, टेन क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट BC एडजेसेंट AB। बाकी तीन कैसे आते हैं, इनके रेसिप्रोकल से, तो साइन का रेसिप्रोकल कोस ए के बराबर होता है, तो इसका इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो BC अपॉन AC का रेसिप्रोकल AC अपॉन BC, ऐसे से क्या आ जाएगा कोस के रेसिप्रोकल से, और कोट आ जाएगा टेन के रेसिप्रोकल से। ठीक है, अब हम देखो, अब हमका सी का हमको सी का वैल्यू लिखना है इन द फॉर्म ऑफ ए। तो हमने क्या किया, ए प्लस सी 90 डिग्री था, तो ए जो है उसको हम राइट हैंड साइड में ले गए 90 डिग्री के साइड, तो माइनस का हो जाएगा, तो अब सी का वैल्यू क्या हो गया, 90 माइनस ए। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जब हम लोग इन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर लिखेंगे तो एंगल का साइन हटा देंगे, केवल वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि जैसे हमने 90 डिग्री भी लिखते हैं 30 डिग्री लिखते हैं, तो केवल उसका वैल्यू लिखते हैं, वहां पे आगे एंगल का साइन नहीं बनाते। तो यहां से ध्यान रखना है कि हम लोग 90 माइनस ए लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि 90 माइनस ए और 90 माइनस एंगल ए अलग अलग है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो उसको अच्छा देखिए, इसलिए 90 माइनस ए लिखेंगे, एंगल का साइन हटा देंगे। ठीक है, अब ये 90 माइनस ए बोले या सी बोले, दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि सी का वैल्यू ही 90 माइनस ए है, तो हम सी जहां भी सी देखेगा उसकी जगह 90 माइनस ए यूज कर सकते हैं, 90 माइनस ए की जगह सी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं एंगल ए के सी के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सी के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट अपोजिट क्या होंगे, देखो एंगल सी के केस में BC एडजेसेंट हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा अपोजिट साइड, और हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा। चलो, तो हम इसके रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं, तो साइन 90 माइनस ए या फिर साइन सी कितना हो जाएगा, AB अपॉन AC, कॉस सी या कॉस 90 माइनस सी कितना हो जाएगा, BC अपॉन AC, टेन सी या टेन 90 माइनस सी सॉरी 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC, और बाकी तीनों जो हैं इनके रेसिप्रोकल से निकाल दिए। ठीक है, अब यहां से हम जो सी के रेस्पेक्ट में लिखे हैं और ए के रेस्पेक्ट में, उनमें से दो 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 वैल्यू जो है वो बराबर है, वो कैसे देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं, साइन
ए का वैल्यू कितना है, साइन ए का वैल्यू मेरे को दिख रहा है बी सी अपॉन ए सी, इसको ध्यान से देखना है, साइन ए का वैल्यू बी सी अपॉन ए सी। अब इधर देखते हैं, इधर कोई ना कोई जो रेशियो होगा वो बराबर आएगा, तो बी सी अपॉन ए सी ये दिख गया, बी सी अपॉन ए सी ये आ रहा है, वो किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस ए के बराबर। तो इन दोनों के अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो यहां से क्या अगर रिजल्ट आया देखे तो हम लोग कि साइन ए का जो वैल्यू होगा वो कॉस 90 माइनस ए के बराबर हो जाएगा। और दूसरे की बात करते हैं, कॉस ए के लिए देखते हैं, कॉस ए का वैल्यू कितना है, ए बी अपॉन ए सी। तो इधर देखो, ए बी अपॉन ए सी साइन ए के बराबर है, साइन 90 माइनस ए के बराबर। तो यहां से ये जो कॉस ए होगा वो साइन 90 माइनस ए के बराबर होगा। बाकी भी किसी ना किसी के बराबर है वो देख सकते हो, ये हो जाएगा कोट ए के बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा सेक ए के बराबर, ये हो जाएगा कोसेक ए के बराबर, ये टेन ए के बराबर। तो इन दोनों यहाँ पे ये ए के रेस्पेक्ट वाले और 90 माइनस ए के रेस्पेक्ट वाले जितने भी हमने छः छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं उनमें दो 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 का पेयर इक्वल है। तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है, वो क्या हुआ देखो, वो ये रहा कि साइन 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ए के बराबर, और कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ से इसका यूज क्या हुआ देखो, एक तो क्या हो रहा है, साइन किस में चेंज हो जा रहा है, कॉस में। तो एक तो हम लोग को अगर कभी जरूरत पड़ा कि साइन को कॉस में चेंज करना है तो उसका चेंज करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक तरह से फॉर्मूला, ठीक है, कि साइन 90 माइनस समथिंग कुछ भी लिखा है 90 माइनस, बट ए का वैल्यू 90 से का होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, 0 से ए के बीच में, 0 से 90 के बीच में। तो 90 माइनस समथिंग कुछ भी लिखा है साइन के अंदर तो हम उसको कॉस समथिंग लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही कॉस के अंदर 90 माइनस समथिंग लिखा है तो उसको हम साइन समथिंग लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही साइन कॉस का ये पेयर बन गया, ऐसे ही टेन और कॉट का पेयर बन जाएगा दोनों तरह से, और सेक और कोसेक का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से फॉर्मूला है। अब इसमें याद क्या रखना है, किसका किसके साथ पेयर है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, टेन है तो कोट बनाना है, कोट है तो टेन बनाना है, ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि टेन और कोट साथ आते हैं, टेन और साइन साथ में आएंगे, ऐसे ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही सेक और कोसेक के लिए देखेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हमने ये जो छः वैल्यू ये और छः वैल्यू दिखे हैं इन्हीं को कंबाइन कर करके वैल्यू लिखा, जैसे सेक ए की बात कर रहा है, सेक ए कितना है, ए सी अपॉन ए बी, तो इधर देखेंगे ए सी अपॉन ए बी ये रहा, तो सेक ए बराबर कोसेक 90 माइनस ए, ये सेक ए बराबर ए इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए, ठीक है। तो ये वहीं से हमने देखा, अपनी मर्जी से नहीं देखा। तो ये एक तरह से फॉर्मूला है, समझ में आया तो ऐसे याद रखो, नहीं तो इनको याद रखना, ठीक है। चलो इनको एक साथ लिख दिया तो ये हमारे पास छह फॉर्मूले आ गए। तो साइन 90 माइनस ए लिखा है तो उसको लिख देंगे कॉस ए, या कॉस ए लिखा है तो उसको 90 माइनस ए लिख देंगे, दोनों साइड से चलेगा और सही है दोनों साइड। वैसे कॉस 90 माइनस ए लिखा तो साइन ए लिख देंगे, साइन ए लिखा है तो उसको कॉस 90 माइनस ए लिख देंगे, टेन 90 माइनस ए लिखा है तो उसको कॉट ए लिख देंगे, कॉट ए लिखा है तो उसको टेन 90 माइनस ए लिख देंगे। फिर वैसे ही कॉट 90 माइनस ए लिखा है तो उसको टेन ए लिख देंगे, और टेन ए लिखा है तो कॉट 90 माइनस ए लिख देंगे, ठीक है। सेक 90 माइनस ए लिखा है तो कोसेक ए लिख देंगे, कोसेक 90 माइनस ए लिखा है तो सेक ए लिख देंगे, सेक ए लिखा है तो कोसेक 90 माइनस ए, ठीक है। तो ए का वैल्यू बताया था 0 से 90 डिग्री होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर ए का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो उसका सी के साथ एडिशन कभी भी 90 डिग्री नहीं आएगा, 90 डिग्री नहीं आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो गया, और हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है। तो ये छः फॉर्मूले, इनको याद रखना, यूज क्या हुआ एक दूसरे में इंटरचेंज करने के लिए, वो कैसे देखो, यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ए और 90 माइनस ए दोनों का सम 90 हो रहा है इसलिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे ये क्वेश्चन आया, बोल रहा है फाइन इवेल्युएट टेन 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री। चलो अब देखो यहाँ पे ये दोनों तो कटेंगे नहीं कि 65 और 25 5 5 से काट देंगे, इससे कटना नहीं है, ये 10 के अंदर ही कोट के अंदर। तो हम क्या करेंगे,
इनका सम देखेंगे, सम देखा तो 90 डिग्री हो रहा, मतलब ये दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और फिर ये देखेंगे कि जो पेयर हमने देखे थे साइन कोस टेन कोट और सेक कोसेक, क्या हुआ आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब टेन और कोट का पेयर आ गया, मतलब हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, टेन को कोट में चेंज कर सकते हैं, कोट को टेन में चेंज कर सकते हैं। तो देखो हमने किसको किस में चेंज किया है, हमने कोट को चेंज कर दिया टेन में, कैसे, ये फॉर्मूला लगा के कोट ए इक्वल टू टेन नाइन्टी माइनस ए। अब ए का वैल्यू कितना है 25, तो ए की जगह 25 रख दिया, ये जहां जहां ये दिख रहा था, तो कोट 25 इक्वल टू टेन नाइन्टी माइनस 25 डिग्री, तो आ गया 1065, मतलब कोट 25 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1065 डिग्री के बराबर होगा, इसलिए हमने कोट 25 डिग्री की जगह 1065 लिख दिया, ऊपर नीचे बराबर आ गया। तो अच्छा दोनों को एक साथ चेंज नहीं करना है कि टेन को कोट में कोट को चेंज, फिर वो क्वेश्चन नया बन जाएगा, फिर नहीं कटेगा, किसी एक को ही चेंज करना है, या तो टेन को चेंज करो या कोट, ठीक है, ऐसा नहीं हमने टेन को भी चेंज कर दिया कोट को भी चेंज कर दिया तो फिर तो क्वेश्चन चेंज होगा नहीं, फिर वो उल्टा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा हम लोग यहाँ पे टेन को भी चेंज कर सकते थे, टेन को कैसे चेंज करेंगे, टेन ए बराबर क्या आएगा, कोट 90 माइनस है और ए का वैल्यू जैसे 65 रखेंगे तो 1065 कोट 25 के बराबर आ जाएगा, तो फिर ऊपर कोट नीचे कोट कट जाएंगे दोनों। चलो अच्छा यहाँ पे ऐसा दिमाग नहीं लगाना, 10 10 से 10 कटा है, 65 से 65 ऐसा नहीं कटा है, पूरा 1065 1065 से कटा है, ऐसा नहीं कि 10 10 काट दिया 65 65 को काट दिया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, साइन 3a इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री दिया है, वेर a एन एक्यूट एंगल है, वो तो होना ही चाहिए क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट एंगल तभी बनेगा, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, एक तरफ साइन दिया है एक तरफ कोस दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सेम साइन लाने, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाएंगे, या तो दोनों तरफ साइन बना देंगे या दोनों तरफ कोस, ठीक है, तो किस तरह बनाएंगे, जिस तरफ एंगल थोड़ा अच्छे से दिया हो, तो इधर तो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीकेट के फॉर्म में दिया है कि ए माइनस 20, ये आसान दिया है 3a, ठीक है, तो इसको बदल देंगे हम लोग कोस में, कैसे, वही फॉर्मूले से, हम लोग क्या फॉर्मूला है हम लोग का, साइन ए इक्वल टू कोस 90 माइनस ए, तो ये हमने यहाँ पे बदला दिया, साइन ए की जगह 3 आ गया, तो हम फॉर्मूले में भी ए की जगह 3 लिख दें, तो साइन ए इक्वल टू कोस 90 माइनस ए, तो साइन 3 ए इक्वल टू कोस 90 माइनस 3 ए, ठीक है, तो इधर भी कोस आ गया, अब यहाँ भी कोस आ गया, वो यहाँ से, अब यहाँ से एक तरह से बोलो कि इसके दो तरीके, तो कोस कोस को हटा दिया तो एंगल एंगल बच गया, या फिर ऐसे देखो कि जो इधर कॉस समथिंग लिखा है तो इधर भी कॉस समथिंग लिखा होना चाहिए और दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए दोनों के एंगल हमने बराबर कर दिए, तो 90 माइनस 3 इक्वल टू ए माइनस 26, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लिया, ए का वैल्यू निकाले, इधर भेजे तो 2a बच गया और उस 90 को इधर भेजे तो कितना बच जाएगा 90 माइनस 26 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4, और इधर से 8 तो 6, तो 64 बचेगा। अच्छा इसमें ये वैल्यू गलत दिया है, कैलकुलेशन तो मिस्टेक किया है इसका, ठीक है, वो कैलकुलेशन देख लेना, उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर कुछ अलग भी आ सकता है, सम किया कैसे वो समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 8 एंड 45, मतलब हमको एंगल जो है उसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है, ये एंगल कितना है 85 डिग्री 75 डिग्री, तो हमको क्या करना है 85 को ऐसा यहाँ पे 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है, क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चूज करेंगे, हम क्या करेंगे कोट 85 को चेंज कर देंगे 10 में, 10 में वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो कोट 85 को कितना लिख देंगे, ठीक है, आप देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया कोई बात नहीं, हमने क्या किया 80, एक तरीका ये भी है 85 को हमने लिख दिया 90 माइनस 45 डिग्री, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, ये किसके बराबर हो जाएगा 10 5, तो ये लिख दिया ऐसे ही इधर कर दिया, या फिर दूसरे से चेंज करना है तो दूसरे भी चेंज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 ए बराबर लिख देंगे कोट 90 माइनस ए, या फिर कोट ए बराबर 1090 माइनस, तो जैसे समझ आता है कर सकते, ये डायरेक्ट कर दिया, ठीक है।